नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, बाज का आतंक पार्ट टू। बाज द्वारा रानी को उठाकर ले जाने के बाद दुष्कर्मा के राजा बनने में कोई रुकावट शेष नहीं रह गई थी। कुछ दिनों बाद दुष्कर्मा बहुत धूमधाम से राजगद्दी पर बैठा। राजा दुष्कर्मा की जय हो। राजा बन जाने के बाद भी दुष्कर्मा के सैनिक उस भगोड़े सैनिक को जगह जगह खोजते रहे, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। महाराज, हमने पूरे राज्य का चप्पा चप्पा खोज लिया, लेकिन उस सैनिक और राजकुमारी का कहीं कुछ पता नहीं चला। उधर दुष्कर्मा तांत्रिक के पास बलि के लिए लोगों को पहुंचाता रहा। इस तरह अनेक वर्ष बीत गए। दुष्कर्मा के अत्याचार बढ़ते गए। उसके सैनिक गाँव में जाकर लूट मार करते रहे। एक दिन सेना नायक मृत्युंजय के नेतृत्व में सैनिकों की एक टुकड़ी ने भीकमपुर गाँव पर हमला किया। भागो भागो, सैनिक आ गए, भागो, जान बचाओ, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कोई भागने ना पाए। कुछ ही देर में सैनिकों ने अनेक लोगों को पकड़ लिया। हमें छोड़ दो, आह मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, चलो सबको घसीटते हुए ले चलो। लेकिन अभी मृत्युंजय उन लोगों को लेकर एक कदम भी आगे बढ़ता कि तभी विद्युत गति से गाँव की एक लड़की पूर्णिमा आगे बढ़ी। रुक जाओ और इन सब लोगों को छोड़ दो। ओह, सुना है जब चींटी की मौत आती है तो उसके पर निकल आते हैं। यह क्यों भूलते हो सैनिक कि चींटी हाथी को भी मार देती है। ओह, आज हम भी चींटी का यह कमाल देखेंगे। और यह कहते हुए मृत्युंजय ने अपनी कमर से लटके कोड़े को खोला और पूर्णिमा पर प्रहार किया, लेकिन उसने कोड़े को कस कर पकड़ लिया। तभी पूर्णिमा ने एक जोर का झटका दिया और आह, नीचे गिरते ही मृत्युंजय तलवार लेकर पूर्णिमा की ओर तेजी से बढ़ा, लेकिन तब तक वह भी एक सैनिक की तलवार झपट चुकी थी। तेरी मृत्यु मेरे हाथों से लिखी है, मुझे मारने से पहले तुम अपने जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना करो। दोनों एक दूसरे से भिड़ गए, लेकिन कोई किसी से हार मानने को तैयार नहीं था। कुछ देर बाद पूर्णिमा ने एक भरपूर वार किया तो मृत्युंजय की तलवार टूट कर दूर जा गिरी। ओह, मेरी तलवार, अब यह मुझे अवश्य मार देगी। तुम सोच रहे हो कि निशस्त्र देखकर मैं तुम्हें मार दूंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। यह दुष्कर्म तो तुम और तुम्हारा राजा दुष्कर्मा ही कर सकता है। तुम क्रूर और अत्याचारी का साथ दे रहे हो। अगर कोई तुम्हारे माता पिता को पकड़कर ले जाए और मौत के घाट उतार दे तो तुम्हें कैसा लगेगा। उसी पर मृत्युंजय के मस्तिष्क में विद्युत कौंध गई। उसकी आंखों के सामने अनेक वर्षों पहले का दृश्य उभर आया। मेरे बापू को छोड़ दो, बापू बापू, आह। अगले पल ही, अपने इन कुत्तों को आगे बढ़ने से रोक लो, नहीं तो मेरी तलवार तुम्हारे दो टुकड़े कर देगी। रुक जाओ, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, पीछे हट जाओ। सैनिक पीछे हट गए। पूर्णिमा की बातों ने उसके सीने में सोए हुए ज्वालामुखी को सुलगा दिया था और एकाएक वह कह उठा था, तुम चाहो तो मुझे मार सकती हो। मैं अपराधी हूँ क्योंकि मैंने क्रूर और अत्याचारी राजा का साथ दिया है, लेकिन अब मैं किसी बेगुनाह के रक्त से अपने हाथ नहीं रंगूंगा, कभी नहीं। तुम्हें अपने गुनाहों का एहसास हो गया है, मेरे लिए यही बहुत है, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। और पूर्णिमा ने उसकी गर्दन से तलवार हटा ली। तभी मृत्युंजय ने आदेश दिया, इस गांव से पकड़े गए सभी लोगों को छोड़ दिया जाए, हम किसी को अपने साथ नहीं ले जाएंगे। लेकिन सरदार, जब महाराज को हमारे खाली हाथ लौटने का पता चलेगा तो वह हमारी गर्दनें ना कटवा देंगे। महाराज की तलवार का वार मैं अपनी गर्दन पर सहन करूंगा, तुम इन सब लोगों को मुक्त कर दो। और फिर कोई प्रतिरोध किए बिना सभी लोगों को छोड़ दिया गया। खाली हाथ लौटे मृत्युंजय को देखते ही दुष्कर्मा क्रोध से उबल पड़ा था। यह क्या, मृत्युंजय तुम खाली हाथ लौट आए, एक भी आदमी पकड़ कर नहीं लाए। गरीब और बेगुनाह लोगों को पकड़ कर मौत के मुंह में झोंक देना क्रूरता और अन्याय है, और अब मैं यह गुनाह नहीं कर सकता। मृत्युंजय, जो तुम कह रहे हो यह विद्रोह है, और ऐसे विद्रोही के लिए हमारे पास एक ही दंड है, और वह है प्राण दंड। जानता हूँ महाराज, लेकिन अब मैं लोगों को बंदी नहीं बना सकता। तभी दुष्कर्मा ने गुस्से से उबलते हुए कहा, दुरापद, मृत्युंजय को बंदी बनाकर काल कोठरी में डाल दो, कल सुबह हम इसे प्राण दंड देंगे। नहीं, कोई मुझे बंदी नहीं बना सकता। लेकिन दुष्कर्मा के संकेत पर दुरापद और दूसरे सैनिकों ने उसे घेर लिया। नहीं, तुम बचकर नहीं जा सकते, लेकिन तुम भी मुझे नहीं रोक सकते। सभी सैनिक मृत्युंजय पर टूट पड़ते कि तभी वह उछलकर उनके घेरे को पार कर गया। सैनिक फिर तेजी से उसकी ओर दौड़े।
लेकिन वह फिर उनके हाथों से दूर निकल गया और फिर वह उछला तो सीधे अपने घोड़े पर पहुंच गया। पलक झपकते ही उसने घोड़ा दौड़ा दिया और कुछ देर में सैनिकों से बहुत दूर निकल गया। ओह, वह भाग रहा है। बहुत दूर तक पीछा करने के बाद भी सैनिक उसे रोक तो नहीं सके, लेकिन उसे घायल अवश्य कर दिया। आह, घायल मृत्युंजय सैनिकों की आंखों से ओझल हो गया और सैनिक निराश होकर लौट गए। उसी शाम खेतों की ओर जाती हुई पूर्णिमा एक पेड़ के पास लोगों की भीड़ देखकर चौंक पड़ी। उसने पास जाकर देखा। अरे, यह तो वही सैनिक है जिससे सुबह मेरी लड़ाई हुई थी, लेकिन यह बेहोश क्यों पड़ा है? यह तो दुष्ट राजा का सैनिक है, इसे मार दो। हाँ हाँ, सांप को जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं, इसे कोई नहीं मारेगा, यह घायल और बेहोश है और किसी असहाय को मारना कोई बहादुरी नहीं। सभी लोगों के हाथ ऊपर ही रुक गए। पूर्णिमा, तुम हमें मत रोको, हम इस शत्रु को जीवित नहीं छोड़ेंगे। अवश्य ही यह दुष्ट राजा का सैनिक हमारा शत्रु है, लेकिन इस समय यह स्वयं मौत से संघर्ष कर रहा है। हमें पहले इसे मौत के हाथों से बचाना चाहिए। किसी ने विरोध नहीं किया। लोगों की सहायता से पूर्णिमा मृत्युंजय को उठवा कर गाँव में ले गई। वैद्य की चिकित्सा से शीघ्र उसे होश आ गया। भाइयों, मैंने दुष्ट राजा का साथ छोड़ दिया है, अब मैं उस दुष्ट राजा के सैनिकों से आप सबकी रक्षा करूंगा। नहीं, यह सब सच नहीं, तुम राजा के गुप्तचर हो और हमें धोखे से मरवा दोगे। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा विश्वास करो। देखो, दुष्ट राजा ने मुझे क्या पुरस्कार दिया है। यह भी तुम्हारा कोई नाटक हो सकता है। तुम यहाँ से चले जाओ और हमें हमारे भाग्य के सहारे छोड़ दो। हाँ हाँ, तुम चले जाओ। मृत्युंजय ने वहाँ खड़े लोगों की ओर देखा, लेकिन किसी की आंखों में उसे आशा की कोई झलक नजर नहीं आई। वह निराश होकर एक ओर को चल दिया। ठहरो, रुक जाओ, तुम इसी गांव में रहोगे, लेकिन तुम्हें अपनी बात का विश्वास दिलाना होगा। मैं तुम्हें जल्दी ही यह विश्वास दिला दूंगा कि मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है, हम कुछ दिन प्रतीक्षा करेंगे, लेकिन तुम असफल रहे तो तुम्हें तुरंत गाँव छोड़कर जाना होगा। और फिर मृत्युंजय उस गाँव में ठहर गया, लेकिन अपनी बात का प्रमाण देने के लिए मृत्युंजय को अधिक दिन प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। एक शाम, बंदी बना लो सबको, कोई भाग ना पाए। अभी सैनिक कुछ लोगों को पकड़ पाते कि तभी मृत्युंजय ने आगे बढ़कर उन्हें रोक लिया। रुक जाओ, मैं किसी को पकड़कर नहीं ले जाने दूंगा। अच्छा हुआ तुम भी यहीं मिल गए, अब तुम्हें मौत के घाट उतारने के लिए हमें कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। अगले पल ही सैनिकों ने उसे घेर लिया। आह हाय, तभी अचानक पूर्णिमा वहां पहुंच गई। अरे, यह क्या, मृत्युंजय अकेला ही सैनिकों से लड़ रहा है। ओह, अगर इसकी सहायता न की गई तो सैनिक उसे मार डालेंगे। एकाएक पूर्णिमा जोरों से चीख उठी। गांव वालों, तुम सब अपने घरों में छिपकर क्यों बैठे हो? बाहर आओ और मृत्युंजय की सहायता करो, वह हम सबके लिए अपने प्राणों की बाजी लगा रहा है। पूर्णिमा की पुकार ने लोगों पर जादू सा कर दिया और सब लोग लाठी भाले लेकर सैनिकों पर टूट पड़े। एक भी बचकर न भागने पाए। मारो मारो, लोगों ने अनेक सैनिकों को मार डाला। कुछ अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। गांव वालों ने मृत्युंजय को अपने हाथों पर उठा लिया। मृत्युंजय की जय। मृत्युंजय ने गांव के नव युवकों को शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में आसपास के गांव के लोग भी उनके साथ मिलते चले गए। उधर अपने गुप्तचरों से सूचना मिलने पर दुष्कर्मा आक्रमण की बात सोच रहा था और इधर मृत्युंजय किसी दूसरी ही योजना में खोया हुआ था। साथियों, मैं जानता हूँ कि दुष्कर्मा लोगों को पकड़कर एक भयंकर बाज को सौंप देता है। वह बाज लोगों को कहाँ ले जाता है यह नहीं मालूम। क्यों ना हम सब मिलकर उस बाज को मार डालें? हाँ हाँ, हम उस बाज को मार देंगे। लेकिन उस बाज को मारना इतना सरल नहीं, वह अद्भुत बाज है, उसे मारा नहीं जा सकता। और फिर कुछ सोचकर मृत्युंजय ने कहा, उस बाज को अवश्य ही कोई आदमी संचालित करता होगा। यदि हम उसका पता कर लें तो फिर बाज पर काबू पाना कोई मुश्किल नहीं होगा। लेकिन उसका कैसे पता चलेगा? मैं जंगल के पास उस बाज की प्रतीक्षा करूंगा, वह बाज मुझे पकड़कर ले जाएगा। तुम लोग बाज का पीछा करके मेरे पास पहुंच जाना, फिर हम सब उस व्यक्ति को मार देंगे। योजना के अनुसार अगले दिन मृत्युंजय जंगल के समीप पहुँच गया। सभी लोग झाड़ियों के पीछे छिप कर बैठ गए। निश्चित समय पर बाज आया और मृत्युंजय को उठाकर ले चला। बाज मृत्युंजय को ले जा रहा है। हाँ, हमें उसके पीछे पीछे चलना चाहिए। और बाज को देखते सभी उसी दिशा में दौड़ पड़े। कुछ ही देर में बाज उन लोगों की आंखों से ओझल हो गया।
अरे बाज तो आंखों से ओझल हो गया। ओह अब क्या करें, उसे कहाँ ढूंढे? पता नहीं बाज मृत्युंजय को कहाँ ले गया। लोग कुछ देर इधर उधर ढूंढने के बाद निराश होकर लौट आए। बाज मृत्युंजय को तांत्रिक की गुफा में ले पहुंचा। हा, मेरा बाज बलि के लिए शिकार ले आया। यह मेरी अंतिम बलि है। इसके बाद मेरे पास इतनी शक्ति होगी कि मैं नाग राजा को भी मार दूंगा। इधर बाज मृत्युंजय को उठाकर ले गया था और उधर दुष्कर्मा ने भीकमपुर पर आक्रमण कर दिया। पूर्णिमा रणचंडी बनकर सैनिकों पर टूट पड़ी। आह, सैनिकों को मारती पूर्णिमा दुष्कर्मा के समीप पहुंच गई। दुष्कर्मा, अब तेरे दुष्कर्मों का अंत होने वाला है। लेकिन बीच में दुरापद उससे भिड़ गया। गांव के लोगों ने सैनिकों का कड़ा मुकाबला किया। पूर्णिमा भी बहुत बहादुरी से लड़ी, लेकिन दुष्कर्मा की विशाल सेना को पराजित करना संभव नहीं था। अतः बहुत से लोगों के साथ सेनापति ने पूर्णिमा को भी बंदी बना लिया। चलो महाराज ही तुम्हारा फैसला करेंगे। आह आह, नहीं नहीं। ओह बहुत खूबसूरत है, इसे तो मेरे महल में होना चाहिए। दुरापद, इसे मेरे महल में ले आओ, इसका फैसला हम वहीं करेंगे। दुरापद ने पूर्णिमा को महल में पहुंचा दिया। और जब महल में दुष्कर्मा ने पूर्णिमा से विवाह के लिए कहा तो उसने स्पष्ट मना कर दिया। इस पर दुष्कर्मा आग बबूला हो उठा। नादान लड़की, तू नहीं जानती कि विवाह से इनकार कर देने पर हम तुझे कितनी भयंकर सजा देंगे। तुम कितनी भी भयंकर सजा क्यों ना दो, मैं तुमसे कभी विवाह ना करूंगी। मैं भी देखता हूँ तू कब तक इनकार करती है। मैं तुझे आज ही भयंकर बाज का शिकार बना दूंगा। ओह बाज का शिकार। इस पर भी पूर्णिमा ने उससे विवाह करना स्वीकार नहीं किया। क्रोध से पागल हुआ दुष्कर्मा उसे तांत्रिक के पास गुफा में ले गया। वहां पर मृत्युंजय को बंदी के रूप में देखकर पूर्णिमा चौंक पड़ी। ओह मृत्युंजय यहाँ पर है। अरे दुष्कर्मा ने पूर्णिमा को भी पकड़ लिया है। मैं इस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ लेकिन यह इनकार कर रही है। आप इस लड़की से मेरा विवाह करा दें, यदि इनकार करे तो बाज का शिकार बना दे। राजन कल सुबह मुझे अंतिम बलि देनी है, उस बलि के बाद मैं तुम्हारा इस लड़की से विवाह करा दूंगा। उस दिन दुष्कर्मा पूर्णिमा को साथ लेकर नगर को लौट गया। उस रात गुफा में कैद मृत्युंजय अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहा था और उधर नागलोक में नाग राजा नीलमणि गुप्तचरों से एक सूचना सुनकर परेशान हो उठा था। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम उस दुष्ट तांत्रिक नागनाथ को अंतिम बलि नहीं देने देंगे। हम उसका सर्वनाश कर देंगे, हम इसी समय पृथ्वी लोक के लिए प्रस्थान करेंगे। नागराजा नीलमणि ने पृथ्वी की ओर प्रस्थान किया। नागराज नीलमणि ने गुफा में पहुंचकर मृत्युंजय को तांत्रिक नागनाथ की सारी कहानी सुनाते हुए कहा, यह नागनाथ एक सहस्त्र बलि देकर ऐसी शक्ति प्राप्त करना चाहता है जो मेरी अद्भुत मणि के प्रभाव को नष्ट कर सके और फिर यह मुझे मारकर नागलोक का राजा बन जाए। लेकिन मैं इस दुष्ट को अंतिम बलि पूरी नहीं करने दूंगा। युवक तुम यह मणि ले लो, इस मणि की सहायता से तुम कोई भी रूप धारण कर सकते हो। मृत्युंजय को उसकी बातों पर कुछ संदेह हुआ तो उसने कहा, आप स्वयं इस मणि की सहायता से नागनाथ को क्यों नहीं मार देते? यही तो मेरी व्यवस्था है, नागों के देवता वासुकी के वरदान के कारण मैं स्वयं अपने स्वार्थ के लिए इस मणि का उपयोग नहीं कर सकता। तुम मानव हो, तुम इसका उपयोग कर सकते हो। मृत्युंजय ने फिर कोई प्रश्न नहीं किया। नागराज नीलमणि से वह अद्भुत मणि लेकर मृत्युंजय ने कहा, हे नागों की अद्भुत मणि, मुझे नाग के रूप में परिवर्तित करके इस बंधन से मुक्त कर दे। अगले ही पल वह नाग के रूप में परिवर्तित हो गया। कैद से मुक्त हो मणि की सहायता से मृत्युंजय फिर अपने वास्तविक रूप में परिवर्तित हो गया। अब तुम जल्दी से जाकर उस दुष्ट का अंत कर दो। मृत्युंजय तांत्रिक के पास पहुंचा तो वह उसे देखते ही बुरी तरह चौंक पड़ा। ओह यह बाहर कैसे निकल आया? मुझे देखकर हैरान हो रहे हो नागनाथ, लेकिन अब तुम अधिक समय तक हैरान नहीं रहोगे। अच्छा तो तुम मेरी वास्तविकता जान चुके हो, लेकिन तुम अभी मेरी शक्ति से परिचित नहीं हो। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने से पहले तुम अपने जीवन के अंतिम पल गिनना शुरू कर दो। यह कहते हुए मृत्युंजय उस पर झपटा ही था कि वह भयंकर नाग के रूप में परिवर्तित हो गया। ओह दोनों में भयंकर युद्ध चल रहा था लेकिन कोई किसी को पराजित नहीं कर पा रहा था। तभी ओह मेरी तलवार, अब तुम्हें मेरे विष से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन अभी नागनाथ की विषैली फुंसकार मृत्युंजय को जला पाती कि उसने अद्भुत मणि से कहा, हे नागों के देवता वासुकी की अद्भुत मणि,
मुझे त्रिमुखा नाग बनाकर मेरे शरीर में कालकूट का विष भर दे। इतना कहते ही अगले पल वह त्रिमुखा नाग के रूप में परिवर्तित हो चुका था। ओह, त्रिमुखा नाग! लेकिन यह युवक त्रिमुखा नाग के रूप में कैसे परिवर्तित हो गया? मुझे यहाँ से भागकर अपने प्राण बचाने चाहिए। और वह भाग निकला, लेकिन अभी नागनाथ वहाँ से कहीं दूर भाग पाता कि त्रिमुखा नाग बने मृत्युंजय ने उसे अपनी फुसकारों से जला दिया। आ, बचाओ बचाओ! नागनाथ के मरते ही उसका जादुई विशाल बाज भी नष्ट हो गया। नागनाथ को मारकर मृत्युंजय शीघ्र ही दुष्कर्मा के महल में पहुंचा। तुम तांत्रिक की कैसे कैसे निकल आए? तांत्रिक को मारकर बेचारा अपनी अंतिम बलि पूरी नहीं कर सका और मेरे हाथों मारा गया, और अब तुम्हारी बारी है। तुम तांत्रिक को कभी नहीं मार सकते, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुमने ऐसा किया भी होगा तो मेरे हाथों से नहीं बच सकोगे। यह कहते ही दुष्कर्मा ने मृत्युंजय पर प्रहार कर दिया। दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। कोई किसी से हार मानने वाला नहीं था। दुष्कर्मा के बहुत से सैनिक उसकी सहायता के लिए आ गए थे। मारो, पकड़ो! ओह, इतने सैनिकों से अकेले लड़ना संभव नहीं होगा। मुझे एक बार फिर त्रिमुखा नाग के रूप में परिवर्तित होना चाहिए। और फिर अगले ही पल मृत्युंजय अद्भुत मणि की सहायता से त्रिमुखा नाग के रूप में परिवर्तित होकर कहर ढा रहा था। उसने दुष्कर्मा को जलाकर मार डाला। दुष्कर्मा के जलकर मरते ही मृत्युंजय फिर अपने वास्तविक रूप में परिवर्तित हो गया। चक्रधरपुर के लोगों को जब दुष्कर्मा की मृत्यु का पता चला तो उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने मृत्युंजय को अपना राजा घोषित कर दिया। राजा मृत्युंजय की जय हो! हमारा राजा मृत्युंजय! लेकिन जब मृत्युंजय को राजगद्दी पर बैठाया जा रहा था, तभी पूर्णिमा के पिता ने प्रवेश किया। ठहरो, मृत्युंजय को राजगद्दी पर नहीं बैठाया जा सकता। इस राजगद्दी की उत्तराधिकारी पूर्णिमा है। पूर्णिमा और राजगद्दी की उत्तराधिकारी? तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ, यह पूर्णिमा मेरी बेटी नहीं बल्कि महाराज कनिष्कराज की वह राजकुमारी है जिसे दुष्कर्मा के हाथों से बचाने के लिए एक सैनिक लेकर भाग गया था। लेकिन तुम्हें वह सैनिक कहाँ मिला और कैसे तुमने नन्ही राजकुमारी को उससे प्राप्त किया? मुझे उस सैनिक को कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह सैनिक मैं ही था। मैंने ही इस नन्ही राजकुमारी को पाला है। अगर आपको विश्वास ना हो तो इसके गले का यह स्वर्ण हार देख लें। पूर्णिमा के गले का हार देखते ही राजगुरु ने राजकुमारी को पहचान लिया। सचमुच यह नन्ही राजकुमारी है। राजगुरु के इतना कहते ही लोगों ने पूर्णिमा की जय घोष की और उसे राजगद्दी पर बैठाने के लिए कहा। तभी यह ठीक है कि राजगद्दी पर बैठने का अधिकार मेरा है, लेकिन मृत्युंजय के साहस और शक्ति को नहीं भुलाया जा सकता, इसलिए मैं स्वयं यह राजगद्दी मृत्युंजय को सौंप रही हूँ। और फिर मृत्युंजय को ही राजा बनाया गया। कुछ दिनों बाद मृत्युंजय और पूर्णिमा का विवाह हो गया। महाराज मृत्युंजय की जय, राजकुमारी पूर्णिमा की जय। तो यह थी राज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।